आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे आसान तरीका करवा चौथ की पूजा किस तरीके से करते हैं। देखिए, हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन इस तरीके से मैं करती आई हूँ और मुझे ये सबसे आसान लगता है, और बस वही आज पूजा की टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। चौथ की पूजा हमेशा शाम के 4 बजे करती हूं। देखिए, इस तरीके से रेडीमेड कैलेंडर आपको मार्केट में मिल जाएगा पूजा की दुकान पे। ये कैलेंडर आपको लेके आना है और सिंपली मैंने इसको वॉल पे चिपका दिया है। आप चाहें तो फ्रेम भी रख सकते हैं, पर मुझे ये बहुत ही कम्फर्टेबल लगता है, मैं इस तरीके से इसको चिपका देती हूँ। अब क्योंकि मैंने इसको आगे चिपकाया हुआ है तो मैं चुनरी ऊपर चढ़ा नहीं सकती थी, इसलिए चुनरी मैं माता के आगे यहाँ पे रख रही हूँ। अब मैं इस तरीके से करावा रख रही हूँ। ये देखिए, इसमें आगे एक छोटा सा छेद होता है जिसको टोटी बोलते हैं। इस तरीके का ये रेडी आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। इसमें मैंने पानी भर दिया है। अब इसमें थोड़े से अक्षत डालूंगी, चावल। अब इसमें मैं एक चांदी का सिक्का डाल रही हूँ जिस पे लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं। यही वाला सिक्का मैं हमेशा गणपति की पूजा पे भी यूज़ करती हूँ। अब इसको इस तरह से ढक देना है। ढकने के बाद इसमें चीनी यानी कि शक्कर ऊपर से डाल दें। अब मैं और एक जल का लोटा यहाँ पे भर के रख रही हूँ। ये जो तांबे का है इससे मैं सूर्य को जल दूँगी, और जो मिट्टी का है उसे मैं चंद्रमा को अर्घ दूँगी। उसमें भी थोड़े अक्षत डाल देने हैं पानी के साथ। अक्षत डाल देने हैं थोड़े पानी के साथ। अभी कुमकुम से तिलक करना है और करवा माता को भी बाद में तिलक करना, अक्षत चढ़ाने हैं, अक्षत लगाने हैं। अक्षत आगे चढ़ाने भी हैं। अब करवा माता को तिलक करना है और ये कैलेंडर में सब जगह पे देखिए इस तरीके से तिलक करना है। माता के आगे फूल चढ़ा रही हूँ। अब आगे घी का दिया जलाना है। आप चाहें तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। अब आप दिया जला दें। अब मैं आगे फल चढ़ा रही हूँ। अब मैं ये बिंदी का पैकेट चढ़ा रही हूँ जो यूजुअली मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब मम्मी को देने के लिए मैं ड्रेस यहाँ पे आगे रख रही हूँ, उनको उपहार में दूंगी, क्योंकि वो ड्रेस ही पहनती हैं और ये उनकी ही चॉइस है, मम्मी यानी कि मेरी मदर इन लॉ के लिए। और अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको आरती करनी है, लेकिन आरती करने से पहले आपको करवा माता की कथा पढ़नी है और श्री गणेश भगवान जी की भी कथा आपको पढ़नी होती है। कथा पढ़ने के बाद आपको करवा माता की आरती करनी है।
इस तरीके से आप आदि कर लें। मैं आगे कपूर का इस तरीके से छोटा सा हवन करती हूँ, या कपूर का आप धुआं बोल सकते हैं। इस तरीके से मैं हमेशा ये आगे जलाती हूँ। इससे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अच्छी एनर्जी मिल रही है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। ये छोटा सा एक हवन मैं आगे जला लेती हूँ हमेशा। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये एडिशनल है जो मैं करती हूँ। स्टील की छलनी लूँगी, उसमें दिया रख के मैं चंद्रमा को देख के दर्शन करूँगी और बाद में हस्बैंड को देख के उनके दर्शन करके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती हूँ। आप सजा हुआ रेडीमेड छलनी भी पूजा की दुकान से ले सकते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ ये पूजा विधि शेयर की है जो मैं करती आई हूँ बहुत सालों से, और मुझे ये बहुत ही आसान लगता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो, और अगर आपको भी ये सिंपल टेक्निक पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मेरे नए चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।